हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑक्सफोर्ड स्टडी चैनल के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग अपने क्लास 12th के मैथ के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर क्लास 12th का एक्सरसाइज 3.4 इस समय चल रहा है, ठीक है, प्रोग्रेस पर है। तो जल्दी ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा, हम डिटर्मिनेंट की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों, सारणिक की तरफ। तो दोस्तों देखिए, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के बारे में, क्योंकि दोस्तों मैं जब 3 वीडियो बताता था तो 20 मिनट का हो जाता था, ठीक है, तो एबव भी हो जाता था, 20 मिनट से ज़्यादा हो जाता था, तो उसमें मुझे अपलोड करने में दिक्कतें आती थी। तो मैं दो दो क्वेश्चन करके आपको हर वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए देर ना करते हुए हम 6 और 7 को क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आप पर जाता रहे। लाइक कर दें और कमेंट में आपने जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है, इसको हमने दे दिया ए। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा सकते हैं, आप वहां से जाइए और सारे क्वेश्चंस को देखिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें आप क्या कर देंगे, हम मान लेंगे, माना ए इज इक्वल्स टू आई ए, ठीक है। ये आपका समझ लो इस टॉपिक का, इस एक्सरसाइज 3.4 का केवल आपको यह ध्यान रखना है ए इज इक्वल्स टू आई ए। ए क्या हो जाएगा आपका, ए मतलब है जो आपको दिया है मैट्रिक्स ए 2, 5, 1, 3। इसके बाद आपको आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1, 0, 0, 1 आपको पता ही है। और यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, यही हमको फाइंड करना है, ए इनवर्स, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आपको ऐसा ऑपरेशन कराना है कि यहाँ यहाँ 1 हो जाए और इस जगह पे 0 हो जाए, मतलब जो चीज यहाँ है वो यहाँ हो जाए, और जो मतलब आप ऑपरेशन कराएंगे वही चीज इधर भी कराना पड़ेगा, मैंने अपने सब वीडियो में बताया आपको। तो आप क्या करें कि आप ऐसा ऑपरेशन कराएं कि जो एलिमेंट, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है यहां पर बन जाए, और जो मतलब चीज यहां पर करें उसके बाद जो इधर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो आप इधर मतलब माइनस प्लस डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई करके जो भी चीज लाएंगे वही आपका यहां पर जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर आप सबसे पहले क्या चाहिए, आपको 1 चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपको यहां पर क्या चाहिए, 1 चाहिए ना। तो आप क्या कर दें कि R1 को इंटरचेंज कर दें R2 में, क्यों क्यों, देखिए कैसे, यहां पर 1 है, ठीक है, यहां पर 1 है। तो आप अगर इसको इंटरचेंज करेंगे, मतलब कि R1 को ऊपर और R2 को नीचे कर देंगे, ठीक है, इंटरचेंज का सिंबल यही होता है, तो क्या हो जाएगा, ये 1 यहां पर आ जाएगा, ठीक है, 1 यहां पर हमको मिल जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, केवल हमको ऊपर नीचे करने पर 1 आ जाता है। तो चलिए देखते कैसे, अगर हम इंटरचेंज का सिंबल लगाते हैं तो 1, 3 जो आपका R2 है वो ऊपर और जो R1 है वो नीचे। देखिए कुछ हमने किया नहीं, केवल बस ऐसे लिख दिया और एक टॉपिक हमारा हो गया, मतलब एक लाइन हमारा हो गया, ठीक है, क्वेश्चन का बस सिंपल सा है, बहुत ही आसान है दोस्तों, केवल और केवल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, ठीक है, क्योंकि इस एक्सरसाइज से 8 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं यूपी बोर्ड में, ठीक है, जी, केवल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। अब क्या करना है आपको, अब यहां पर आपको 0 बनाना है, जैसा यहां पर आपको 0 बनाना है, तो कैसे करेंगे, अब देखिए R2 में आपको क्या बनाना है, यहां पर 0, तो अगर R2 में आप -2R1 कर दें तो 0 यहां पर हो जाएगा, कैसे, क्योंकि यहां पर 2 है, अगर यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे R1 में तो 2 - 2 शून्य हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, देख कैसे। अब देखिए R1 में तो हमने कुछ नहीं किया, तो R1 ऐसे लिख लें, यहां का भी R1 आप ऐसे लिख लें 0 और 1, और आप ये ऐसे लिख लें क्योंकि टाइम आपका बच जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहां क्या है दोस्तों, R2 में हम क्या करा रहे हैं, R2 - 2R1, R2 आपका क्या है, यहां पर 2 है, 2 - 2R1 है, तो 2 × R1 में क्या है, 1 है, ठीक है, तो 2 - 2 मतलब 2 × 1 = 2, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसी प्रकार से यहां पर भी, ठीक है, R2 - 2R1, तो R2 आपका कितना है, 5 है, -2R1 2 × 3, तो 5 - 2, 3 = 6, तो यहां पर आ गया आपका -1, तो शेष सेम इसी प्रकार से यहां पर -1 आ गया, ठीक है। अब जो चीज आप इधर कर रहे हैं वही चीज आपको इधर भी करना है, ठीक है। तो चलिए, क्या था कि R2 क्या था दोस्तों, कि R2 देखिए, एक सेकंड, इसको मैंने ऊपर किया था। देखिए दोस्तों, यहां पर गड़बड़ी क्या हो गई थी, कि जो आपने R1 इंटरचेंज R2 कराया था, तो क्या कराया था कि यहां पर देखिए, यहां पर R1 इंटरचेंज R2 कराया था, तो 0 और 1 ऊपर हो गया था, 1 और 0 नीचे होगा ना, यहां पर 1 और यहां पर 0, सॉरी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 1 और 0 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बस देखिए, आप क्या करेंगे, आप
आर टू, आर टू माइनस टू, आर टू कितना है वन है, आर टू वन है, तो वन माइनस टू टू इन टू आर वन, आर वन कितना है शून्य है, तो यह कितना हो गया जीरो हो गया, यहाँ पर बचा क्या वन, तो यहाँ पर क्या हो गया वन हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ भी क्या है आपका कि आर टू मतलब आर टू कितना है अब यहाँ पर, आर टू है शून्य माइनस का टू इन टू आर वन कितना यहाँ पर वन है, वन है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों जीरो माइनस का टू वन जा टू तो हो जाएगा माइनस का दो, तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मैंने इसीलिए आपको कैलकुलेशन अच्छे से बताया। ठीक है, अब देखिए कि क्या करेंगे आप, अब यहाँ पर आपको जीरो लाना है, यहाँ पर आपको जीरो लाना है। ठीक है, तो देखिए कैसे क्या करना है, आर वन में अगर आप आर वन प्लस थ्री आर टू कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा कैसे, देखिए फिर से यहीं देखते हैं। ठीक है, फिर से यहीं पर देखते हैं, ये देखिए कैसे, अगर हम R1 में, देखिए R2 में हमने कुछ नहीं किया छेड़खानी है, तो R2 ऐसे आप लिख लें, टाइम बच जाएगा आपका, जल्दी से आप ऐसे लिख लें वन माइनस का दो और यहाँ पर a। ठीक है, अब देखिए आप अगर आप R1 प्लस थ्री आर टू करें तो R1 कितना है आपका जीरो प्लस थ्री, अच्छा अच्छा आर वन में आप कर रहे हैं ना, आर वन में, ठीक है चलिए आर वन में आप कर रहे हैं, तो आर वन कितना है वन है प्लस थ्री इंटू आर टू कितना है जीरो है, तो वन प्लस जीरो बराबर एक, तो यहां पर क्या आ गया दोस्तों वन आ गया आपका। अब देखिए यहां पर आर वन प्लस थ्री आर टू, तो थ्री प्लस माइनस माइनस थ्री मल्टीप्लाई वन, तो थ्री माइनस थ्री इज इक्वल्स टू जीरो, तो यहां पर क्या आ गया दोस्तों जीरो आ गया। अब देखिए सेम प्रोसेस यहां भी आर वन प्लस थ्री आर टू, तो जीरो जीरो प्लस थ्री इंटू वन, तो क्या हो जाएगा दोस्तों थ्री हो जाएगा, थ्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी आर वन कितना है वन है, वन हमने ले लिया, प्लस और माइनस कित, प्लस और माइनस कितना हो जाएगा माइनस थ्री इंटू टू, थ्री इंटू टू, तो वन माइनस का सिक्स तो इज इक्वल्स टू माइनस का फाइव, चलिए माइनस का फाइव आ गया। ठीक है, बस आपका आंसर तो आ गया कैसे, देखिए अब यहाँ पर आपको क्या लाना है वन लाना है, प्लस का वन लाना है, यहाँ पर क्या है माइनस का वन, वेरी आसान, मतलब बहुत ही आसान है, कैसे आर टू में अगर आप कर दें माइनस का वन आर टू, तो कैसे देखिए आपको दिख रहा होगा, चलिए आपको दिख रहा है, अब आप कर दें आर वन तो ऐसे रहेगा, आर टू में आपने माइनस लिया तो जीरो पे कोई इफेक्ट नहीं जाएगा, लेकिन माइनस का वन है तो माइनस आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर प्लस का वन बच गया। अब इसी प्रकार से आप यहाँ भी थ्री माइनस फाइव तो आप ऐसे लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पर प्लस का है तो यहाँ पर माइनस का वन हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का है तो यहाँ पर प्लस का टू हो जाएगा। अब देखिए आप जो आंसर कैसे लिखेंगे कि ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पर देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया ना, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बस यहीं तक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको किसी ना किसी तरह से बनाना है, तो अगर ये बन गया तो ए आएगा इधर, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू थ्री माइनस का फाइव माइनस का वन एंड टू, थ्री माइनस का फाइव माइनस का वन एंड टू, तो यही आपका दोस्तों हो गया आंसर, तो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा अच्छे से, तो आप अगर आपको अच्छे समझ में आया तो लाइक जरूर कर दें और कमेंट जरूर करें। चलिए दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन, देखिए माना ए इज इक्वल्स टू आई ए, ठीक है दोस्तों ए क्या हो जाएगा, ए आपका ए मैट्रिक्स हो जाएगा थ्री वन फाइव एंड टू, आई क्या हो जाएगा आपका जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में किया, आई क्या हो जाएगा आइडेंटी मैट्रिक जीरो एंड वन, जीरो जीरो एंड वन, ठीक है ए आपका ए हो जाएगा, ए इनवर्स आपको ये ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आर वन में अगर आप आर वन में टू आर वन माइनस आर टू कर दें तो आपका आंसर आ सकता है कैसे, देखिए दोस्तों पहले आप बनाएं इसके बाद मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, R1 में आपको कराना है तो R2 आप ऐसे लिख लें 5 एंड 2 0 1 और A, ठीक है अब देखिए आप अगर आप R1 R1 क्या आपका ये देखिए R1 2 R1 करा देंगे 2 इंटू आर क्या है 3 माइनस आर क्या है 5 तो 2 3 जा 6 माइनस का 5 तो इज इक्वल्स टू 1 तो यहां पर आज आपका आ जाएगा 1। ठीक है सेम प्रोसेस आपको यहां भी करना है, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक है दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा टू
टू इंटू आर वन क्या हो जाएगा, वन, टू इंटू आर वन माइनस का आर टू टू, तो टू माइनस टू इज इक्वल्स टू जीरो, तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका जीरो। तो चलिए आपका तो क्लियर हो गया, आर वन आपका क्लियर होगा, कैसे देखिए यहां पर वन होगा यहां पर जीरो। अब आपको क्या चाहिए, यहां पर क्या चाहिए, यहां पर शून्य चाहिए, ये तो अपना हो जाएगा काम, ठीक है। तो उसी प्रकार से आपको यहां भी करना पड़ेगा कि आर वन क्या था, टू इंटू वन माइनस आर टू क्या है जीरो, तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों यहां पर हो जाएगा दो। इसके बाद टू ये वाला ठीक है, टू इंटू जीरो माइनस का आर टू वन, तो जीरो माइनस का वन इज इक्वल्स टू माइनस का वन, तो यहां पर हो गया दोस्तों आपका माइनस का वन। चलिए अब आपको आर टू में ये वाला चीज फाइव वाला जो आपका प्लेस है इसको आपको क्या करना है, रिप्लेस करके जीरो लाना है। तो ये भी बहुत ही आसान है, कैसे देखिए, अगर आप आर टू में आर टू माइनस का फाइव आर वन कर दें, आर टू माइनस फाइव आर वन कर दें, तो हमें लगता है आपका क्वेश्चन आ जाएगा। कैसे देखिए, ऐसे पहले आप ऐसे बना लें, वन एंड जीरो आप ऐसे लिखें, इसके बाद टू माइनस का वन हो जाएगा, इसके बाद ए हो जाएगा आपका। चलिए देखिए कैसे, अगर आप आर टू, आर टू कितना आपका यहां पर फाइव है, माइनस का माइनस लगाएंगे, इसी के अकॉर्डिंग ही चला जाता है जो आप यहां पर प्रोसेस करते हैं, ठीक है, जो आपका ऑपरेशन करते हैं यहां पर वही के अकॉर्डिंग आपका चला जाता है, ठीक है। तो देखिए कैसे, आर टू में अगर आप, आर टू क्या था यहां पर, आर टू क्या था फाइव था, अगर माइनस लगा के फाइव आर वन कर दिया, आर वन क्या यहां पर वन है, तो फाइव माइनस फाइव इज इक्वल्स टू क्या दोस्तों जीरो, तो यहां पर जीरो हो गया। इसी प्रकार से यहां भी आर टू क्या है, दो है, माइनस का फाइव लगाएंगे इंटू आर वन कितना है जीरो, तो इसका मतलब ये जीरो हो गया, तो यहां पर कितना आ गया, दो आ गया। अब वही चीज आपको यहां भी करनी है, कैसे, आर टू कितना यहां पर जीरो है, माइनस लगाएंगे फाइव, आर वन कितना यहां पर दो है, तो इंटू टू, तो क्या हो जाएगा माइनस का टेन, तो यहां पर क्या आ गया दोस्तों माइनस का टेन आ गया। उसी प्रोसेस से आप यहां भी चलेंगे, वन आ जाएगा, और देखिए दोस्तों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फाइव इंटू वन हो जाएगा, तो वन प्लस फाइव इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा दोस्तों सिक्स हो जाएगा। तो चलिए यहां पर हमने क्या लिख दिया, सिक्स लिख दिया। अब तो आपका क्वेश्चन सॉल्व भी होगा, आपको भी दिख रहा होगा कैसे, यहां पर टू है तो यहां पर आप वन कर सकते हैं, कैसे डिवाइड करके देख रहे, आर टू में अगर आप, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये, आर टू में अगर आप क्या कर दें, अगर आप कर दें आर टू बाई टू, आर टू बाई टू मतलब कि जो दो है उसको दो से जब आप डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। यहाँ पर जीरो है ये, तो जीरो से कोई मतलब है नहीं, तो यहाँ पर हमको वन लाना था। तो चलिए देखिए कैसे, आर टू, आर टू में हम कर रहे हैं तो वन एंड जीरो ऐसे लिख लेंगे, इसके बाद टू एंड माइनस का वन ऐसे लिख लेंगे, ए लगा लेंगे, ठीक है। अब देखिए आर टू बाई टू मतलब जीरो बाई टू जीरो हो जाएगा, आर टू बाई टू यहाँ से टू माइ टू बाई टू कितना वन आ गया, यहाँ भी आर टू बाई टू, आर टू कितना है माइनस का टेन, बाई टू आप कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों माइनस का फाइव, ये देखिए माइनस है, ठीक है। इसके बाद आर टू बाई टू मतलब सिक्स बाई टू, तो क्या हो जाएगा दोस्तों थ्री, थ्री तो यहाँ पर क्या आ गया थ्री। तो देखिए दोस्तों आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा कैसे, देखिए अब ए इधर आएगा तो ए इनवर्स, यही आपको निकालना है, एलिमेंट्री ऑपरेशन, टू माइनस का वन प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा थ्री, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और समझ में आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं अच्छा सा कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो जय हिंद, जय भारत।